प्रैक्टिस मैच में रोहित शर्मा के ऐसे दो बड़े फैसले जिनसे हर कोई रह गया हैरान। किसी भी बड़ी सीरीज या टूर्नामेंट से पहले कोई भी अभ्यास मैच अक्सर इस बात की ओर इशारा करता है कि टीम का संयोजन किस तरह से हो सकता है। उस तर्क के अनुसार भारत और बांग्लादेश के बीच T20 विश्व कप से पहले हुए प्रैक्टिस मैच ने भारत की प्लेइंग 11 के बारे में काफी कुछ स्पष्ट कर दिया है। इस मैच में रोहित शर्मा ने दो ऐसे फैसले लिए जिनसे हर किसी को हैरान कर दिया। बता दूं कि अब रोहित शर्मा के निर्णयों पर चर्चा हो रही है। दरअसल हर किसी को यही जानना था कि 5 जून को आयरलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए ओपनिंग कौन करेगा। इस मैच में रोहित शर्मा का जोड़ीदार कौन होगा? इसमें दो विकल्प थे, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली। आपको बता दूं कि विराट कोहली पहला वार्म अप मैच नहीं खेले। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने इसका कारण थकान बताया। रोहित ने कहा कि विराट कोहली कल ही आए हैं, लंबी यात्रा के बाद वह थके हुए हैं। हालांकि यशस्वी जायसवाल भी मौजूद थे लेकिन इसके बावजूद उन्हें मौका नहीं मिला। बता दूं कि इस वार्म अप मैच में संजू सैमसंग ने रोहित शर्मा के साथ पारी का आगाज किया। ऐसे में क्या यह समझा जाए कि आने वाले मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल ओपनिंग नहीं करेंगे? रोहित शर्मा ने सीधे सवाल का जवाब नहीं दिया लेकिन आगे की टीम के लाइनअप के बारे में बात की। पहला वार्म अप मैच 60 रन से जीतने के बाद रोहित शर्मा ने कहा, चीजें जिस तरह से हुई उससे काफी खुश हूँ। खेल से हम जो चाहते थे वह काफी हद तक मिल गया। जैसा कि मैंने टॉस में कहा था, परिस्थितियों से अभ्यास होना महत्वपूर्ण था। नया स्थान, नया मैदान, ड्रॉप इन पिच पर अभ्यास होना अहम है। इसमें हम काफी अच्छे से सफल हुए। बता दूं कि रोहित शर्मा ने बल्लेबाजी इकाई को कमजोर करने के संबंध में महत्वपूर्ण बात कही। ऋषभ पंत को 3 नंबर पर खिलाने को लेकर रोहित शर्मा ने कहा, ये तो बस उन्हें एक मौका देने की ओर कदम था। हमने वास्तव में यह तय नहीं किया था कि बल्लेबाजी इकाई कैसे दिखेगी। यहाँ तक कि गेंदबाजों ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया। सभी खुश है, चीजें कैसे हुई उससे खुश है। अर्शदीप ने दिखाया कि उसने जितने भी मैच खेले उसके पास गजब का टैलेंट है। डेथ ओवर में उसके पास बहुत अच्छा कौशल्य सेट है। आज भी उसने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, गेंद को आगे डालकर स्विंग करवाया। हमें देखना होगा कि परिस्थितियां क्या है और फिर देखना होगा कि कौन सा संयोजन हमारे लिए अच्छा है। वैसे आपके हिसाब से इस T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग के लिए भारतीय टीम में से किसे आना चाहिए, कमेंट्स करके बताइए। आशा करता हूँ कि ये जानकारी भरी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को एक लाइक करना और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ नए और रोचक जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद।